गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला एपिसोड हम लोग का है कि हम लोग की सबसे गंदा चीज क्या है, वो है हम लोगों का हैंड राइटिंग। तो उसी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के टेक्निक्स को हम लोग आज लेने वाले हैं। आप एक चीज को ध्यान में रखिए, अपने पास बहुत शॉर्ट टाइम है, वो शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा चीजें हम लोग नहीं समझा के दे सकते। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो एक बार एक चीज समझा के देता हूँ आप उसको बार बार करना पड़ेगा। अभी जितना हैंड राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग आपको टिप्स बताने वाले हैं, उस ट्रिक्स की प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा टाइम करेंगे, जितना बार बार उसको करते रहेंगे, तो आपका हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हैंडराइटिंग इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे उसकी स्टार्टअप करते हैं। अभी देखिए बोर्ड की तरफ देखिए कि अभी हम लोग ए से जेड तक के हमको लिखना है। अब ए से जेड तक के हमको लिखना है तो क्या करेंगे, हम लोग अपने पेन को उठाएंगे, जब तक के ए को चालू करेंगे तो जेड तक के जैसा जैसा लिखते जाएंगे अपने पेन को हम लोग उठाएंगे नहीं और धीरे धीरे शुरुआत में करेंगे। अब देखिए कि जैसे मैंने ये लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस बी यू वी देन डब्ल्यू एक्स वाई एंड जे। अब ध्यान देखिए हम लोग जैसे ए से चालू किया था वैसे जेड तक हम लोगों ने जैसे के वैसे ही लिखा। अब मैंने इसमें कुछ मिस्टेक्स आपके लिए करके रखे हैं, आप थोड़ा सा इसको फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो दो कैरेक्टर के बीच में ए और बी के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस है, इधर में हम लोगों ने इसको पास पास किया। आपको क्या करना है, आप जब लिखेंगे तो आपका पूरा डिस्टेंस एक जैसा ही आना चाहिए। कैसे आना चाहिए अभी देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस बी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए डिस्टेंस हम लोगों ने मैनेज किया, तो देखो इधर का स्पेस भी मैनेज हो गया। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो वजह से नहीं होगा, आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी अच्छी हैंडराइटिंग आपकी हो सकती है। ये प्रैक्टिस आपको पूरा दिन भर एक दो पेजेस से नहीं होगा, तो 50 पेजेस 10 पेजेस जब तक कि आपको अच्छा लगता नहीं तब तक के करना पड़ेगा। आप जितना टाइम लिखेंगे उतना गंदा गंदा होते जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा लिखेंगे उतना अच्छा अच्छा होता जाएगा। आप फिर से देख लीजिए कि आपको स्पीड नहीं करना है, तो शुरुआत के टाइम में हमको बिल्कुल स्लोली स्लोली ही लिखना है इस हिसाब। इस हिसाब से आपको स्लोली स्लोली ही लिखते जाना है। अब जैसे ही आप थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे तो फिर आप अपने स्पीड को इस हिसाब से इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए कैसे करना है, लेकिन शुरुआत के टाइम में अगर आप इसको करेंगे तो ये आपका गंदे से गंदा ही होता रहेगा, सुधरेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले स्लोली स्लोली करना है और दो वर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके साथ में जो ऊपर वाले लाइन से ऊपर वाले आना चाहिए, जो नीचे जाना है वो नीचे जाना चाहिए, जो कैरेक्टर के शेप से वो बराबर आना चाहिए। भाई गड़बड़ में हम लोग कोई भी मिस्टेक्स ना करें इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। ये कब तक रहेंगे, ए से लेके जेड तक के लिखेंगे लेकिन पेन को उठाएंगे नहीं।